स्टैंडिंग वेव्स को हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे दो फिक्स डैम्स ले लीजिए और वहां से दो वेव्स एक तरफ, दोनों मतलब एक इधर से वेव आ रही है, एक इधर से आ रही है, उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी मतलब आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए। जब वो दोनों वेव्स आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हमें जो वेव मिलती है उसे स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स का नाम दिया गया है। दैट मीन्स स्टैंडिंग वेव्स इज ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी क्या है, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स या 2a साइन कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, किसी भी फॉर्म में ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दो वेव्स कंबाइंड है और अगर हमें इसे स्प्लिट करना हो इसकी कंपोनेंट वेव से, दो वेव्स क्यों कंबाइंड है, एक इस तरफ से आ रही है और एक उस तरफ से आ रही है, तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये जो एम्पलीट्यूड है आपका, इसीलिए यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो उस एम्पलीट्यूड में a हो जाएगा, तो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देना है अगर माइनस के एक्स है दैट मीन्स इट वे दिस वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड व्हेन वी हैव प्लस के एक्स दैट मीन्स ये वेव नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस की ट्रेवल कर रही है। मतलब दोनों वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल करके आती हैं और वो आपस में सुपरइम्पोज होती हैं, यानी इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर, तो हमें स्टैंडिंग वेव्स प्राप्त होती हैं। इसकी जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेन मेन जो फीचर्स होते हैं स्टैंडिंग वेव्स के, दे रिमेन स्टेशनरी बिटवीन टू बाउंड्रीज। मान लीजिए एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, तो वो इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में हमेशा वो वेव स्टेशनरी होती है। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे नोट पोजीशन के अलावा, जहां पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। दूसरी चीज, दिस वेव डो नॉट ट्रांसमिट एनर्जी इन द मीडियम। जनरली एनी वेव ऑलवेज व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इट ट्रांसमिट्स एनर्जी, बट स्टैंडिंग वेव्स डो नॉट ट्रांसमिट एनर्जी इन द मीडियम। नाउ जस्ट सी द पिक्चर, there are two fixed points and there's a string, one wave is traveling from this side and one wave is traveling from this side, then here we got a standing waves pattern, yahan par standing waves pattern hame mil raha hai, to ye jo yahan par dono points hain yahan par zero ho gaya hai amplitude, yahan par jab zero amplitude ho gaya hai that means yahan pe destructive interference hai aur jahan pe destructive interference hota hai un points ko node kehte hain, और यहां पर आप देखिए मिडिल में इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो यहां पर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वेव्स का, जहां कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स का होता है उसे हम एंटी नोड कहते हैं। याद आप ऐसे कर सकते हैं कि एंटी नोड ए से स्टार्ट है तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है और नोड में एम्पलीट्यूड जीरो है, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड एट नोड इज इक्वल टू जीरो एंड एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड इज इक्वल टू मैक्सिमम, दैट इज प्लस माइनस वन। नाउ नेक्स्ट थिंग एक और है कि कोई भी ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या होगी, तो ये याद कर लीजिएगा लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स विच आर ट्रैवलिंग इन दिस मीडियम। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला है कि आपका वहां पर एक लूप बना हुआ है, तो इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक, जब एक लूप बनता है फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल नोड कहते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लैम्डा बाय टू। अब यहाँ देखिए दो लूप्स बन रहे हैं तो हम इसे सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं, लेकिन अगर ओवरटोन लिखा है फर्स्ट ओवरटोन तो फर्स्ट ओवरटोन है लेकिन उसको सेकेंड हार्मोनिक लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो सेकेंड हार्मोनिक दैट मीन्स एन इज इक्वल टू टू, दैट मीन्स देयर आर लूप्स आर टू, दो लूप्स बन गए, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखिए आपके नोड कितने हैं, एक दो तीन, और एंटी नोड कितने हैं दो, यानी जितने आपके हार्मोनिक है उतना आपका एंटी नोड है और नोड उसमें वन जोड़कर हो गया। देखिए यहाँ पे थ्री नोड्स है, वन टू थ्री, और आपका एंटी नोड दो हो गया। अब यहां देखिए थर्ड हार्मोनिक, तो यहाँ पे तीन लूप्स हो गए,
मतलब जितना हार्मोनिक उतना ही लूप और उतना ही एंटी नोट। इसी पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, यानी ये आपका एक ट्रिक है कि एन हार्मोनिक मींस जितने लूप्स बन रहे हैं एन लूप्स बनते हैं, और एक लूप में आप याद रखिए नोट्स एन प्लस वन है और एंटी नोट एन है। आप इसको यहाँ चेक करिए, ये मैंने आपको दिखाया जैसे जैसे सेकेंड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक एन टू, यानी लूप्स यहाँ कितने बन गए, दो, और एंटी नोट भी दो, लेकिन नोट कितने हो गए, वन टू एंड थ्री। अब आप इस कंसेप्ट को देखते हुए यहाँ पर एक क्वेश्चन पर आइए, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ देयर इज सेवेंथ हार्मोनिक ऑन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जिसमें सेवेंथ हार्मोनिक ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन लिखा भी है साथ में फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन में लिखा हो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कि वो दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है, यानी यहाँ पर आपकी स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगी, ये आपकी पहचान है क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया फाउंड हाउ मेनी नोड्स एंड एंटी नोड्स आर देयर, कि इस सेवेंथ हार्मोनिक में कितने नोड बनेंगे और कितने एंटी नोड। तो मैंने आपको बताया कि जो हार्मोनिक है वही लूप है, कि सेवेंथ हार्मोनिक है तो सेवन लूप है और एंटी नोड भी सेवन हो गया। हाँ, और नोड क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, सेवन प्लस वन इज इक्वल टू एट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, एक क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं, यहां से हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, कि जैसे एक स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन दी हुई है 0.4 साइन 0.5 एक्स कॉस 30 टी, यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एम्पलीट्यूड निकालना है, वेव स्पीड निकालना है, और ये जो एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ वेव है इससे हमें दो वेव्स निकालनी है जो आपस में सुपरइम्पोज हो रही है, दैट मींस कंपोनेंट ऑफ वेव्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें कौन सी दो वेव्स हैं जो इसको कंबाइन करके वो सुपरइम्पोज करके स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म कर रही है। तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव्स का, हमने भी आपको बताया था y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए साइन के साथ 0.5x है, इसीलिए हम साइन के एक्स वाली इक्वेशन लेंगे, और कॉस 30t है यानी कॉस के साथ ओमेगा टी होगा। अगर यही पर साइन के साथ टी वाला होता तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती 2a साइन ओमेगा टी एंड कॉस kx। तो जैसी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन वहां पे अपनी सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो 2a की वैल्यू 0.4 हो गई, kx में देखिए 0.5x है यानी k की वैल्यू 0.5 हो गई, ओमेगा की वैल्यू में 30t है, दैट मींस ओमेगा हमें 30 मिल गया। अब यहां से इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स देखिए y1a sin kx, एक में माइनस ओमेगा टी, एक में kx प्लस ओमेगा टी। तो आपका एम्पलीट्यूड 0.4 था तो वो 2a एम्पलीट्यूड है, दोनों का कंबाइन हो गया, तो यहां पर एम्पलीट्यूड आप उसका हाफ कर देंगे, दैट मींस 0.2 sin 0.5x माइनस 30t 0.5x प्लस 30। ये जो माइनस 30t है दैट मींस इट ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, प्लस की तरफ x एक्सिस की तरफ ये मूव करेगा, और जो ये प्लस वाला है तो ये माइनस ऑफ x एक्सिस मूव करेगा। अब यहां से हम अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हमें पता है कि ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, एन यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट मींस ओमेगा 30 हो गया, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 15/π। नाउ एम्पलीट्यूड हमने आपको बता ही दिया कि 2a इज इक्वल टू 0.4, एम्पलीट्यूड हो गया 0.2, एम्पलीट्यूड की यूनिट सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो हर्ट्ज होगी, hz। नाउ वेव स्पीड, वो जो वेव हमारी चल रही है स्ट्रिंग में उसकी क्या स्पीड होगी, उसके लिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को k से डिवाइड करते हैं, दैट मींस ओमेगा बाई k, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, तो ओमेगा की वैल्यू पर 30 आई है, k की वैल्यू 0.5, दैट मींस वेव स्पीड वी गॉट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेंड, जो वेव है उसमें किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आप याद कर लीजिए, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अभी क्वेश्चन हम देख रहे हैं,
इफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज़। अब आप देखिए स्ट्रिंग हमारी 1 सेंटीमीटर लंबी है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 है। अब मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ को 1/4 कर दिया गया तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिससे वो वाइब्रेट करेगी? तो हमारा जो रिलेशन है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन, N1 है तो ये N2 बाई L1। अब यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी 256, हमें ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। L2 यानी स्ट्रिंग कितनी रेड्यूस हो गई, 1/4 ऑफ L, और पहले 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ थी। दैट मींस व्हेन वी मल्टीप्लाई 256 बाय 4 वी गेट 1024 हर्ट्ज। यानी व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेवलेंथ वी हैव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मान लीजिए हमने आपको जब शुरू में बताया था कि जो स्ट्रिंग है दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में वो अटैच है, तो वहां पर दो नोड्स फॉर्म हो रहे थे, बीच में कैंटी नोड फॉर्म हो रहा था, तो उन दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे? तो एक तो हमें पता है वो लैम्डा बाई 2 हो जाता है। दूसरा एक रिलेशन और है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स का, पाई बाई के। सिंपली वी डिवाइड पाई विद द हेल्प ऑफ के। नाउ वी हैव द इक्वेशन ऑफ वेव, वाई इज इक्वल टू 0.8 दिस वन एंड दिस। अब यहां देखिए कॉस के संग आपका ये के की वैल्यू है पाई बाई 20, यानी जहां पर आपका एक्स है वो आपका के की वैल्यू देगा, जहां पर आपका टी है वो आपका ओमेगा का वैल्यू देगा। यानी ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 200 पाई, और के का वैल्यू क्या है पाई बाय 20, और एम्पलीट्यूड आपका क्या है 0.8। नाउ के इज इक्वल टू पाई बाय 20, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स पाई बाय के, दैट इज पाई बाय 20, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज 20 सेंटीमीटर। अब यहीं से हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं इजिली, क्योंकि वो लैम्डा बाई 2 करके हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि हम आपकी कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स भी निकालिए और डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड, जहां पर बीच में एंटी नोड बन रहा है उसका नोड से क्या डिस्टेंस होगा। हमारा एक क्वेश्चन है इफ ए स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 300, इज फॉर्मड वेयर द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 1200। वेलोसिटी 1200 है, फ्रीक्वेंसी 300। हमारी एक बहुत पुरानी रिलेशनशिप है v इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। पहले हम इसका यूज करेंगे, तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वेलोसिटी 1200 है और फ्रीक्वेंसी 300, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर। हमने आपको सबसे पहले बताया कि जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो है लैम्डा बाई 2, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो 4/2 दैट मीन्स 2 मीटर। और अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड निकालना है तो वी यूज द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू 4 है तो 4/4 इज इक्वल टू 1 मीटर। दैट मीन्स याद कर लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्डा बाई 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4, और एक फॉर्मूला और है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज पाई बाय के। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसको आप याद कर लेंगे तो स्टैंडिंग वेव्स में आपको आसानी होगी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। सेकेंड फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी, दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई एंड वेलोसिटी बाई 2 एल। नेक्स्ट है वेव स्पीड के लिए आपका फॉर्मूला है ओमेगा बाई के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई पाथ डिफरेंस। के का फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स मैंने लिख दिया एन इज इक्वल टू पाई बाय के एंड एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर।